हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो सीए फाइनल के बच्चों, ऑडिट की सारी टेंशन को, ऑडिट की सारी परेशानियों को सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे क्या? टाटा बाय बाय। सर टाटा बाय बाय क्यों? मैंने कहा मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बड़ा प्यारा सॉल्यूशन, जहां आपकी पूरी ऑडिट की तैयारी, आप ये मान सकते हो आप लगभग 20 से लेके 28 दिनों के अंदर। सर ये कौन सा अजीब सा आपने निकाला है टाइमलाइन? मैंने कहा हाँ यही टाइमलाइन है, अभी आप पूरी वीडियो देखते जाओगे तो मजा आता जाएगा। तो 20 से लेके 28 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा सीए फाइनल ऑडिट हो जाएगा। यानी अगर आप सीए फाइनल ऑडिट में एग्जेम्पशन स्कोर करने की मनोकामना रखते हो, 60+ स्कोर करने की मनोकामना रखते हो, यानी आप चाहते हो आपका जो एग्रीगेट है वो सिर्फ एफआर और एसएफएम के भरोसे ना रहे, ऑडिट भी उस पे चार चांद लगा सके, जैसा इस बार काफी बच्चों के साथ हुआ। काफी बच्चों की ऑडिट ने इस बार नैया पार लगाई, जब इंस्टीट्यूट ने एफआर का पेपर थोड़ा अबव एवरेज दिया, एसएफएम का पेपर टफ दिया, तो ऑडिट ने कई बच्चों की नैया पार लगाई। तो अगर आप नवंबर 23 के लिए फुल प्रूफ रेडी होना चाहते हो तो हियर आई हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर यू। मेरा नाम है शुभम केसवानी, आई टीच ऑडिट एट सीए फाइनल एंड इंटर लेवल, ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल, ऑल इंडिया रैंक 29 एंड सीए इंटर। तो ऑडिट में कहीं ना कहीं इस बार हमने धूम मचा दी और मैं चाहता हूं ये धूम नवंबर 23 तक भी जाए, ये धूम हम नवंबर 23 में भी यू कैन से मचाएं, और इसमें मैं चाहूंगा कि हम दोनों मिलकर रॉक करें। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं सर क्या, सीए फाइनल ऑडिट के बैचेस विद लाइव गाइडेंस। यस दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज बैचेस। यानी कहीं ना कहीं अब आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कौन सुबह उठेगा, कौन सुबह उठ के ऑडिट पड़ेगा ना, अब आपको सुबह उठना पड़ेगा, अब आपको ऑडिट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और टेस्ट भी देने पड़ेंगे। एंड दिस इज स्पेशली फॉर नवंबर 23 एग्जाम, बिकॉज नवंबर 23 में रॉक कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, स्टार्टिंग 12th of July 23। यस 12th of July 23 से कहीं ना कहीं ये बैच अपन स्टार्ट करेंगे। सर क्या हम 12th जुलाई के बाद भी कर सकते हैं? आंसर इज येस, आप 12th जुलाई के बाद भी कर सकते हो। सर कैसे? पूरी की पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूंगा, दिल थाम के बैठिए, ठीक है। कंप्लीशन डेट विल बी अराउंड 8th of August। सर अभी तो आप कहते हैं 20 से 28 दिन, तो 20 दिन वाला कुछ बताओ हमको। तो मैंने कभी आएगा, रुको जरा सबर करो। तो पहले तो मैं आपको फीचर्स बताता हूं इस बैच के। As I said, it is with live guidance, यानी this batch will be recorded. This batch will be recorded. Sir, क्या ये recording में हमको amendments अलग से देखनी पड़ेगी? क्या हमको YouTube पे सर्च करना पड़ेगा amendment for November 23, amendment for May 23? मैंने कहा नहीं, जब आपको बोला ये बैच नवंबर 23 के लिए है, यानी इट इज अमेंडेड अप टू डेट बोले तो, सर अप टू डेट बोले तो अब तक की डेट तक आईसीए ने जितनी अमेंडमेंट दे रखी है सारी की सारी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। हाँ सर, ये अच्छी बात बताई आपने। साथ ही साथ सर इसमें हमने लाइव का तड़का लगाया है। सर लाइव का तड़का किस तरीके से लगाया है? मुझे पता है कई सारे बच्चों को रिकॉर्डेड देखने में कहीं ना कहीं आलस आता है, कई सारे बच्चों का डिसिप्लिन नहीं बन पाता, तो मैं आपके लिए एकदम मस्त वाला प्लानर लाया हूं। मैं आपके लिए ऐसा प्लानर लाया हूं जहां पे मैं आपको दूंगा टारगेट चार चार दिन के पांच पांच दिन के, और उसके बाद होगा आपका टेस्ट। क्या वो टेस्ट हमको चेक होके मिलेगा? आंसर इज येस, देयर विल बी अ प्रॉपर टेस्ट सीरीज जहां पे आपको वो टेस्ट चेक होके भी मिलेगा, प्लस देयर विल बी टेस्ट चेकिंग गाइडेंस सेशन, यानी जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपसे अगर मैंने कोई टेस्ट लिया तो मेरी आपसे एज अ एग्जामिनर क्या एक्सपेक्टेशन थी। अगर 5 नंबर का कोई आंसर है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए जो आपके आंसर में होने चाहिए, ताकि आपको पता चल सके व्हाट आर योर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी घर बैठे जीतो जैकपॉट। इससे पहले कि आईसीआई बताए यहां पर इंप्रूव करके आओ, हम अपनी आरटीआई की कॉपी के भरोसे बैठे? मैंने कहा छोड़ो वो सब, हम यहां पर खुद ही ये सारी चीजें समझ लेंगे, व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, कहां पर अपन तरक्की कर सकते हैं। सो देयर विल बी क्लास टेस्ट, इवन देयर विल बी वन फुल मॉक टेस्ट, प्लस सर ये लाइव सेशंस कब कब होंगे तो मैं अगर आपको बताऊं, दिस इज द प्लानर आई हैव डिजाइन फॉर यू। बड़ी मेहनत लगी है इस प्लानर को बनाने के लिए, बट मैं चाहता हूं आप अपनी ऑडिट की इस बार प्रिपरेशन में कोई कमी ना छोड़े, हम आपकी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी एकदम रत्ती भर की भी ऐसी कमी ना छोड़े कि भाई साहब अब तो ऑडिट में रॉक कर ही दें आप। तो ये जो सेशंस हैं आपको मैंने जैसे बताया, आपने 4 दिन क्लास देखी, सर 4 दिन क्लास देखने के बाद क्या पांचवें दिन ना टेस्ट रहेगा, पांचवें दिन कहीं ना कहीं टेस्ट रहेगा, और जब भी ये टेस्ट रहेगा हम दोनों रूबरू कनेक्ट करेंगे, यानी आपके टेस्ट के बाद अपन रूबरू कनेक्ट करेंगे। आप मुझे बताना आपका फीडबैक कैसा रहा फॉर दीज क्लासेस, किस तरह से आपने प्रिपेयर किया, कौन से एरियाज थे जहां पे आपने अच्छा किया, कौन से एरियाज थे जहां पे आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। तो इस तरह से हमारी लाइव गाइडेंस चलती रहेगी, प्लस आपको ये टेस्ट दे देके पता चलता रहेगा आप कहां स्टैंड करते हो। बिकॉज होता क्या है ना, हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट बस रीड करके निकाल देते हैं, 99.99999% जितने जब शायद से डिटॉल भी नहीं मारता, उतने परसेंट बच्चे सर जनरली क्या करते हैं, हम ना ऑडिट को बस रीड करके निकाल देते, बोलते ऑडिट हो गया,
फिर जब आईसीएआर रिजल्ट देता है तो बोलते हैं ये क्या हो गया। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, जब मैं आपका टेस्ट होता रहेगा, टेस्ट के रिजल्ट आते रहेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा आप कहां स्टैंड करते हो। एंड आई एम श्योर वो टेस्ट के रिजल्ट देख के बस आपको एक ही चीज मिलेगी, वो है कॉन्फिडेंस। और मुझे उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कुछ और चाहिए। गॉट इट सर। तो मैंने कहा ये तो बात आई होप आप सबको कहीं ना कहीं क्लियर हो गई है। ये भी वैसे एग्जांपल उस टेस्ट चेक सेशन का ही है जो कहीं ना कहीं आज हमने सीए फाइनल के मई 24 स्टूडेंट्स के साथ किया था। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने इस तरह से इनको टेस्ट वेस्ट बना के दिया था प्रॉपर। सर वो टेस्ट का है, मैंने कहा टेस्ट तो नहीं, अभी आंसर दिख रहा है। यहाँ पे मैंने इनको पूरा बताया था कि किस किस तरह के किस किस तरह से नंबर मिलते हैं। तो आपको जब आंसर शीट मिलेगी ना चेक होके, तो आपको पता रहेगा कि आपके नंबर कहाँ कटे होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं पता चलती रहेंगी। गॉट इट सर, मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। तो अब एक बात बता दो सर, हमको फास्ट ट्रैक लेना चाहिए, रेगुलर लेना चाहिए? मैंने कहा दिस इज योर चॉइस, दिस इज आई एम लीविंग ऑन टू यू। मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बता देता हूं, बाकी आप अपनी चॉइस कर सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट्स में कोई कमी रहेगी दोनों में? मैंने कहा नहीं, दोनों में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर है। एक बात और बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ सर। सर जो मई 23 का एग्जाम था ना, जो सबको बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगा, सब कहते ये तो पता नहीं कहां से आ गया, प्रोनाउंसमेंट में से आ गया, यहां से आ गया, वहां से आ गया। मैंने कहा देखो एक बात है, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, बट कभी गलत फहमी मत पालो। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने नोट्स में कवर थे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डिटेल में क्लास में कवर किया था। इवन इन सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बातों को हमने क्लास में याद भी किया था, इवन यूजिंग मेमोरी टेक्निक्स। तो जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है भाई साहब, वो अपना यूएसपी है, वो कहीं ना कहीं अपना यूएसपी है। तो जो स्टैंडर्ड्स पे आपको कंफर्ट मिलेगा, वहीं आपके पेपर में 30 नंबर तो डंडना डंडन, 30 से 35 नंबर तो वहीं के वहीं डंडना डंडन, वहां तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर वन देखते ही एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई धूम मचा देंगे हम, तो इस बार नवंबर 23 में धूम मचा देंगे। तो सर फर्क क्या है फिर? मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, 20 से 25 घंटे का डिफरेंस है। एंड वो 20 से 25 घंटे मैं बताता हूँ मेनली किस रीजन से है। रेगुलर में कई बार हम कुछ चीजों का एक्स्ट्रा नोटिंग करते हैं, तो वो नोटिंग का टाइम जाता है, प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा ट्रिकी क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक में कवर करने का टाइम नहीं मिलता, तो वो वहां होते हैं। तो सर एक बात बताओ, मैंने फास्ट ट्रैक बैच लिया, मैंने कहा ठीक है, ऑडिट में तो 85-90% क्वेश्चंस डायरेक्ट होते, तो क्या वो फास्ट ट्रैक से हो जाएंगे? मैंने कहा हो जाएंगे, बाकी 5-10% में भी 2-3% क्वेश्चंस होंगे कवर्ड। तो जो और जो थोड़े से क्वेश्चन और बचते हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ एफर्ट मारना पड़ेगा, वहां पर भी डाउट आता है। तो ये है ना, डाउट सपोर्ट इज अवेलेबल बाय टेलीग्राम मंडे टू सैटरडे, यानी सोमवार से शनिवार हमारी लाइनें खुली रहती है टेलीग्राम की। तो जो भी डाउट है आप वहां पे भेजिए, शुभम केसवानी सर खुद आपका डाउट रिप्लाई करेंगे। क्या ये बात सही है? हाँ सर ये बात सही है। अब सर एक बात और बताओ, ये जो आपने फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैचेस के प्राइस रख रखे, क्या इसमें हमको हार्ड कॉपी के लिए अलग से पे करना पड़ेगा? मैंने कहा वी डोंट डू दैट हियर। यहाँ पे आपको अगर बैच मिल रहा है ना, तो बाबू कंप्लीट बैच मिल रहा है। जैसे आप बचपन में 11th और 12th में लेते थे ना, क्लास लेते थे, तो ऐसा थोड़ी होता था नोट्स के लिए अलग से पे करते थे। नहीं सर। तो मैंने कहा वी डोंट डू दैट सच अजीब प्रैक्टिसेस हियर, वी प्रोवाइड यू प्रॉपर क्वेश्चन बैंक, वी प्रोवाइड यू प्रॉपर नोट्स हार्ड कॉपी। इसमें क्या आईसीआई के एमसीक्यूज कवर्ड है? हाँ कवर्ड है। क्या इसमें आईसीआई के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी सब कवर्ड है? कवर्ड है। क्या आपके नोट्स में स्टडी मटेरियल की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है? हाँ है। सर क्या इतनी है कि मई 23 के एग्जाम में बच्चे के अच्छे नंबर आ जाते? मैंने कहा आ क्या जाते, आए हैं। ऑल इंडिया हाईएस्ट जितने अभी तक मुझे मार्क्स पता है अपने किसके आए हैं? सर मजे की बात है, अपने फास्ट ट्रैक स्टूडेंट के आए हैं। अपने फास्ट ट्रैक स्टूडेंट के आए हैं वर्षा, ओहो वर्षा दौलतानी जी ने करी है बारिश। सर बारिश किसकी? मार्क्स की। सुनना चाहोगे? हाँ सर बताओ। मैंने कहा 79 मार्क्स इन सीए फाइनल ऑडिट, यानी जिस पेपर में कहीं ना कहीं पीपल वर फाइंडिंग इट टफ टू स्कोर 40, मैं कहता हूं ना विद राइट गाइडेंस विद हार्ड वर्क एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई एम हियर टू प्रोवाइड यू विद द राइट गाइडेंस। आर यू रेडी टू डू द हार्ड वर्क? सर वी आर रेडी टू डू इट, देन लेट्स क्रिएट द मैजिक। अगर मैं 79 में एक ऐड करूं ना, दो बच्चे पास हो जाए भाई साहब, आप भी ये मैजिकल मार्क्स ला सकते हो। बस अपने को ना लगे रहना है, डटे रहना है, वी कैन डेफिनेटली डू इट। प्लस मैंने जैसा आपको कहा मेंटरशिप सेशंस होंगे वीकली ऑन जूम, तो हम इसमें कनेक्ट करते रहेंगे, एक दूसरे को पुश करते रहेंगे, और डेफिनेटली अपन रॉक कर देंगे नवंबर 23 एग्जाम में। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, लेट्स लर्न विद फन, बिकॉज ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहीं ना कहीं आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल दे क्रिबल, सर ऑडिट पढ़ा ही नहीं जा रहा, मन ही नहीं कर रहा। मैंने कहा हम ऐसे नजरिए से पढ़ेंगे ना, ऐसे मजे से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। इतना मजा आ जाएगा कि आप ऑडिट पढ़ने के बाद बोलोगे सर मैं ऑडिट रिवाइज करके आया, मैंने ऑडिट का टेस्ट दिया, एंड आई एम गोइंग टू सिक्योर डेफिनेटली एन एग्जेम्पशन इन माय सीए फाइनल ऑडिटिंग एग्जाम। एंड मैं बताऊं वो टाइम गया,
वो टाइम गया जब एफआर और एसएफएम आपका एग्रीगेट बनाते थे, आप अपने सीनियर से पूछना जिन्होंने May 23 एग्जाम्स दिए हैं, कहीं ना कहीं ऑडिट की वजह से लोगों की रैंक आई है, कहीं ना कहीं ऑडिट की वजह से लोगों का ग्रुप निकला है। तो मैं आपको बस इतनी सी बात बोलूंगा, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, एंड हम दोनों मिलकर ऑडिट में रॉक करेंगे November 23 एग्जाम्स में, ठीक है। सो सी यू ऑन द अदर साइड, एंड यस यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑल द बेस्ट।